आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को भी जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो इससे पहले वाली क्लासेस आप देखिए, तभी आपको ये क्लास और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक सीरीज आपको दी है, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, (n). इसका मान कितना होगा? क्या दिया हुआ है? 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, (n). इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन को, तुरंत आप समझ गए कि यहाँ पर सिर्फ आपको पैटर्न देखना है, और पैटर्न देखने के बाद ही आपको तुरंत अंदाजा हो जाएगा एक दो स्टेप में कि रेशो किसका आएगा। हमेशा यहाँ पे फर्स्ट टर्म बटे लास्ट टर्म या लास्ट टर्म बटे फर्स्ट टर्म बचता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे होगा सॉल्व? 3 × 3 में से एक गया तो कितना बचा? 2/3। यहाँ पे कितना आएगा? 4 × 4 में से एक गया तो कितना बचा? 3/4। और लास्ट टर्म कितना आएगा? (n-1/n). जैसे ही आपने देखा कि इस 3 से ये 3 कट गया, तो इसका मतलब आगे वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ऊपर आ रहा है। तो तुरंत आप समझ गए कि लास्ट वाला टर्म यहाँ पे नीचे आएगा, यानी कि इस सीरीज का पूरा जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा? 2/(n) होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न क्या होगी? और आपके पास 4 ऑप्शन है, 7/4, 7/6, 4/7 और 4/5। तो कैसे करेंगे? हमने मान लिया जो भिन्न है वो ए और बी है, दो भिन्ने ए और बी है। आप पी और क्यू भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स और वाई भी मान सकते हो। तो क्या दिया हुआ है कि 2 भिन्नों का गुणनफल, यानी कि ए इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है? 14/15। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और इनका भागफल यानी कि (a/b) का मान कितना दिया हुआ है? (a/b) का मान कितना दिया हुआ है? 35/24। हमें बड़ी भिन्न बतानी है, तो कैसे करेंगे? अब जुगाड़ क्या है हमारे पास? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में गुणा कर दें, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम गुणा कर दें तो b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक भिन्न आ जाएगी, a² आएगा, यानी कि हम a का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे, इस सिस्टम को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, a² बराबर कितना हुआ? 14/15 और (35/24). इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15। यहाँ पे कितना आएगा? 2 से काटेंगे 7 और यहाँ पे कितना आया? 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 12। तो 7 × 7 और नीचे कितना आया? 36। तो a का मान कितना हो गया भाई? 7/36 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो, एक भिन्न का मान कितना आ गया? 7/6। तो अगर यहाँ पे एक भिन्न आपकी 7/6 आ गई तो दूसरी आप निकाल सकते हो। दूसरी वाली कितनी होगी? फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, 7/6 × b बराबर 14/15। तो 7 × 2 = 14 और यहाँ पे काटेंगे तो 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, यानी कि b का मान कितना होगा? 4/5। तो 4/5 और 7/6 में आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि 7/6 जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है और ये आपका 0.80 के बराबर है, यानी कि 1 से कम है। तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 7/6 भिन्न बड़ी होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी लगाने का मैं जबरदस्त तरीका आपको बताऊंगा, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 8.31 और इस पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.6 इस पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.002 इस पे बार लगा है। इसका सम आपको बताना है। क्या दिया हुआ है? 8.31 और 1 पे बार लगा हुआ है, प्लस 0.6 इस पे बार लगा हुआ है, 0.002 इस पे बार लगा हुआ है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस यहाँ पे ये अप्रोच लगानी है कि पॉइंट के बाद नंबर का जो नंबर आपका गया है वो कहाँ तक गया, मतलब उसकी लिमिट कहाँ तक है। 3 अंक तक नंबर लिखे हुए हैं, 4 अंक तक लिखे हुए हैं, 5 अंक तक।
तो जहां तक मैक्सिमम नंबर पॉइंट के बाद लिखा है, आप सारे नंबर्स को पॉइंट के बाद उतने अंकों तक लिख दो। जैसे हमने देखा कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम अंक जो है वो 3 आ रहे हैं, तो सारे अंकों को हम 3 अंक तक लिखेंगे पॉइंट के बाद, तो बस इसका सम कर लेंगे। यही आपका सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे यहाँ पे बार का मतलब क्या है कि यही नंबर आपका रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 अंक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को पॉइंट के बाद 3 नंबर तक एक्सपेंड कर लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 8.311 तीन अंक हमें चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, अब 6 पे बार लगा है तो 666 लिखते चले जाएंगे, 0.002 बस इसको जोड़ दो। तो 6 और 2 8, 8 और 1 कितना आया 9, 6 और 1 कितना हुआ 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, और इस पे बार आ जाएगा क्योंकि ये नंबर आपका रिपीट होता चला जाएगा। जब आप देखेंगे ऑप्शन तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। तो 8.979 इससे मिलता जुलता, अगर आप यही देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 आ रहा है, तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपसे, क्वेश्चन को पूछा गया है कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल कितना होगा। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो 3 के गुणज 50 से कम कहाँ से कहाँ तक होंगे, एक तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा और 48 तक जाएगा। इस सीरीज का आपको योगफल बताना है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका योगफल निकालने का, और वो क्या है, आपको इसे मौखिक करना है। आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है योग बटे उनकी संख्या। तो योग अगर हमें निकालना है तो अगर किसी जुगाड़ से हम इसका एवरेज निकाल लें और टोटल कितनी संख्या है उससे अगर गुणा कर दें तो हमारा सम आ जाएगा। सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू उनकी संख्या। अब संख्या निकालने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। संख्या निकालने के लिए अगर डिफरेंस आपका बराबर है, चाहे 1 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, 5 का, कितने का भी डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस बराबर है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का डिफरेंस लेना, इनके बीच में जितना गैप है उससे डिवाइड करना, प्लस 1। तो टोटल अगर नंबर निकालें तो नंबर कितने होंगे, एन का मान कितना होगा, 48 माइनस 3 कितना हुआ, 45, और इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ, 15, और 1 जोड़ देंगे यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हुई, 16। तो इसका सम कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज क्या होगा, अगर डिफरेंस बराबर होता है तो एवरेज या तो बीच वाली संख्या होती है, और हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, यानी कि इसका एवरेज कितना होगा, 48 प्लस 3 बटे 2 और इंटू इनकी संख्या यानी कि 16 से गुणा कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, यहाँ पर कितना हुआ, 51 इंटू 8, तो 8 1 8 8 5 40 यानी कि 408 इसका सम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है कि निम्न भिन्न को घटते हुए क्रम में लगाइए, मतलब इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। क्या दिए हैं आपको भिन्न, 3/5, 7/9, 11/13, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/5, फिर उसके बाद आपको अगली भिन्न दी है 7/9 और उसके बाद 11/13। तो भिन्न वाले क्वेश्चन में दो ही फॉर्मेट आपके काम करते हैं, या तो आपका डिफरेंस बराबर होगा या तो डिफरेंस आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अंश और हर के बीच में डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो वाली भिन्न छोटी होगी, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, यानी कि 11/13 आपका सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा आपका 7/9 होगा और उससे छोटा आपका 3/5 होगा। तो ये आपका क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। और अगर आरोही क्रम पूछा जाएगा तो 3/5, फिर उससे बड़ा क्या होगा, 7/9, फिर उससे बड़ा क्या होगा आपका, 11/13। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपसे क्या बोला गया है, अवरोही क्रम में आपको लगाना है, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा 11/13, उसके बाद आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा 11/13, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 81, 82, 83, 89 तक अगर संख्याओं को गुणा किया जाए
तो आपको इकाई का अंक बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इकाई का अंक अगर हमें निकालना है तो हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पे दहाई में कन्वर्ट होगा तुरंत दहाई वाला अंक छोड़ देंगे। तो 81 × 82 × 83 × 84 × 85 × 86 × 87 × 89 88 × 89 इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब आपको पता है कि अगर आपके पास 5 मिल रहा है, आपको इकाई के अंक में 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर इसके साथ कोई सम संख्या मिल गई तो वो हमेशा 0 देगा। अब 0 को चाहे विषम से गुणा करो तब भी वो 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 5 इकाई का अंक और ये 6 से गुणा होकर कितना दे देगा, 0। अब 0 को चाहे किसी से भी गुणा करो इकाई का अंक आपका 0 ही रहेगा, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या बोला गया है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा किए गए सही उत्तरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे सही के लिए कितने नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। टोटल प्रश्न आपके कितने हैं, टोटल जो प्रश्न है वो कितने हैं, 20। नंबर कितने आते हैं, टोटल नंबर जो आते हैं वो कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको एलिगेशन से करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन को आपको करवाया है। अगर आप इससे पहले वाली क्लासेस को देखेंगे तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन को और एक आपका हाथ पैर जिसमें दिए होते हैं वैसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन के मेथड से कर सकते हो। तो टोटल अगर 20 प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों का जवाब उसने सही दिया होता तो कितने नंबर उसे मिलते, 20 नंबर मिलते। अगर सारे क्वेश्चन उसने गलत किए होते तो माइनस के 20 मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल कितने मिल रहे हैं, 8। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। देखो साइन आपके अपोजिट है तो इसका डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे कितना होगा, 28। यहाँ पे साइन आपके एक जैसे हैं तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे कितना होगा, 12। 4 से काट सकते हैं, 4 से 28 और 4 किया 12, यानी कि सही अगर उसने 7 क्वेश्चन किए हैं तो गलत कितने किए हैं, 3। ओवरऑल मिला के कितने किए, 10, लेकिन ओवरऑल हैं कितने, 20। एक का मान 2 के बराबर। अगर सही क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो 7 × 2 यानी कितने हो जाएंगे, 14। अगर गलत निकाल रहे हैं तो 3 × 2 यानी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हमें सही प्रश्न बताने हैं तो सही कितने प्रश्न किए उसने, 14 किए, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 999 से ही 1/7 प्लस 999 से ही 2/7 प्लस 999 से ही 3/7 प्लस 999 से ही 4/7 प्लस 999 से ही 5/7 प्लस 999 से ही 6/7 इसका मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे, दिया हुआ है 999 1/7 यानी कि 999 से ही 1/7, 999 से ही 2/7, 999 से ही 3/7, 999 से ही 4/7, 999 से ही 5/7 और 999 से ही 6/7 इसका हमें सम बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। जैसे मैंने लिखा 1 से ही 1/3 तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 × 3 और 1 4/3। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से ही 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1/3, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 3 × 3 और 1 4/3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भिन्न कुछ सही कुछ बटे फॉर्म में लिखी हो तो जो कुछ सही वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 999 सही 1/7 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 999 + 1/7। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 999 + 2/7, 999 + 3/7। तो इसी तरीके से 999 आपको कितने बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल इसका सम हम लोग लिख लेते हैं कितना होगा, 999 × 6। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7।
तो अगर हम नीचे सात कॉमन ले लें तो कितना आएगा, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, छः नाम चौवन हासिल लगा पाँच, छः नाम चौवन और पाँच कितना हुआ उनसठ हासिल लगा पाँच, छः नाम चौवन और पाँच कितना हुआ उनसठ, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह तीन अठारह दो बीस, बीस और एक इक्कीस, इक्कीस को सात से डिवाइड करेंगे कितना आएगा तीन आएगा, यानी कि उनसठ सौ सत्तानवे ओवरऑल हमारा आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, उनसठ सौ सत्तानवे, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है कि सात की पावर उन्नीस प्लस दो को अगर हम छः से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, सात की पावर उन्नीस प्लस दो को अगर हम छः से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कोई दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस आपको ये देखना है कि ये वाला जो है वो किस फॉर्मेट पे, ऊपर एक बड़ा है तो अगर ऊपर एक बड़ा आता है तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, रिमाइंडर आपका चाहे पावर सम हो और चाहे विषम हो कितना बचता है, वन बचता है। तो वन प्लस टू कितना आ जाएगा, तीन बटे छः, तीन बटे छः का मतलब अगर ये इससे कम है, ये वाला नंबर इससे कम है तो ये रिमाइंडर में ही जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा, तीन आएगा, कितना आएगा, तीन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कंडीशन प्रूव करनी है, क्या दिया हुआ है, यदि ए तथा बी दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। अब आप ध्यान से देखो, जो भी आपसे कंडीशन पूछी जा रही है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंडर रूट ए प्लस बी और रिलेशन निकलवाया जा रहा है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी इसके सम पे। तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको ए और बी दो ऐसी संख्याएं माननी हैं, आपको ए और बी दो ऐसी संख्याएं माननी, जब भी क्वेश्चन आपका कंडीशन वाला आए तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ मान लेना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या अप्रोच लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पे ये अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हम ए और बी ऐसी संख्याएं माने जिनका इंडिविजुअल भी अंडर रूट निकले और जिन्हें जोड़ने के बाद भी उनका अंडर रूट निकाल सके। तो मान लेंगे 9 और 16 है, तो 9 का भी हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, 16 का भी निकाल सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो 25 का भी अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो बस अब कंडीशन आप देख लो, हमने मान लिया कि इसका मान है, ए का मान है 9 और बी का मान कितना है 16। तो अगर हम अंडर रूट 9 प्लस 16 निकालें और अंडर रूट ए यानी कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16 निकालें तो ये कितना आएगा भाई, 9 प्लस 16 25, 25 का कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 और 4, तो 5 और यहाँ पे कितना आया 7, इसका मतलब ये वाला पार्ट बड़ा आ रहा है। तो यहाँ से कंडीशन हमें क्या पता चल गई कि अंडर रूट ए प्लस बी का मान कम होगा इसके सम से। तो कौन सी कंडीशन आपकी सही होगी, कौन सी कंडीशन आपकी सही होगी, अंडर रूट ए प्लस बी इज लेस देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो संख्याएं एक्स तथा वाई को अलग अलग डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4375 और 2986 आता है, यदि इन संख्याओं के योग यानी कि एक्स प्लस वाई को उसी संख्या डी से विभाजित करें तो शेषफल 2361 प्राप्त होता है तो डी का मान कितना होगा। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि अगर दो संख्याएं एक्स और वाई हैं, इसे एक निश्चित भाजक से मान लेते हैं डी से भाग करें तो रिमाइंडर अगर यहाँ पे आर वन आता है, यहाँ पे आर टू आता है और फिर इन्हीं संख्याओं के योगफल को इसी भाजक से अगर हम भाग करें और रिमाइंडर आपका आर थ्री आता है तो इस भाजक को हम लोग कैसे निकालेंगे, आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको आर वन का मान कितना दिया हुआ है, आर वन का मान आपको कितना दिया हुआ है, आर वन का मान दिया है 4375, आर टू का मान कितना दिया हुआ है, आर टू का मान आपको दिया है 2986 और आर थ्री का मान आपको कितना दिया है, आर थ्री का मान आपको दिया है 2361। तो यहाँ पे भाजक आपको निकालना है, यानी कि डी का मान कितना होगा, आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री, तो कितना हो जाएगा 4375 प्लस 2986 माइनस 2361
इसे हम लोग साल कर लेते हैं, कितना आएगा भाई, 6 5 कितना हुआ 11, 8 7 15 और 1 कितना हुआ 16, 9 3 12, 12 और 1 कितना हुआ 13, 4 2 6 6 और 1 कितना हुआ 7, और इसमें से 2361 हम घटाएंगे, 1 से 1 गया 0, 6 से 6 गया 0, 3 से 3 गया 0, 7 से 2 गया, तो कितना बचा 5, यानी कितना रहेगा 5000 आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच में बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गाय, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को समूह का 1/5 तथा चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त होती है। तो एन का आपको मान बताना है। तो एक किसान के पास भाई एन गाय है और 4 पुत्रों में उसे डिवाइड करना है। किस तरीके से वो बांटता है? इस तरीके से बांटता है कि पहले वाला जो लड़का है उसको कितना मिलता है, उसको टोटल जो समूह में गाय है उसकी आधी यानी कि एन बाई टू मिलती है गाय। फिर दूसरे को कितनी मिलती है, कुल समूह का 1/4 यानी कि एन बाई फोर मिलती है। फिर तीसरे को कितनी मिलती है, तीसरे पुत्र को समूह का 1/5 यानी कि एन बाई फाइव मिलती है। और चौथे वाले को गाय कितनी मिलती है, चौथे वाले को गाय कितनी मिलती है 7। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, एन का मान आप कैसे निकालेंगे? पहले आप चौथे वाले को ये निकालो कि एन के टर्म में कितनी गाय मिलती है। तो वो कैसे आप निकाल पाओगे, टोटल इन लोगों को जितनी गाय मिली उसको अगर हम एन में से घटा दें तो ये चौथे पुत्र की गाय आएंगी यानी कि एन माइनस एन बाई टू प्लस एन बाई फोर प्लस एन बाई फाइव अगर हम घटाएं तो इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसे आप सॉल्व कर लो, एन माइनस यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो इस यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4 बराबर 7। तो 10 5 15 4 19 एन बटे 20, 20 से माइनस 19 यानी कि कितना आएगा एन बटे 20 बराबर कितना आ गया 7। तो एन बराबर कितना आ गया 140 यानी कि टोटल जो गाय होंगी उसके पास वो कितनी होगी, 140 होंगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है।